नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 15 जून से क्या देश में फिर लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन? देश में संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि संक्रमण को देखते हुए देश भर में 15 जून से एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। वायरल खबर में यह भी दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन लागू करने को लेकर संकेत भी दिए हैं। इस वायरल खबर पर PIB ने पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। PIB ने ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक फोटो में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के साथ 15 जून से देश में पूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता है। यह फेक न्यूज वाली ऐसी भ्रामक फोटो से सावधान रहें। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 10 से 14 जून तक राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। झारखंड के सिमडेगा, गुमला, खुट्टी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, कोडरमा तथा गिरिडीह जिले के कुछ भागों में मेघ गरज के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक हवा चलने की भी संभावना है। निजी स्कूल फीस मामले में हजारीबाग के स्कूल ने की फीस माफ। हजारीबाग जिला के चालकुसा प्रखंड के हॉली एंजल पब्लिक स्कूल ने लॉकडाउन अवधि की फीस माफ कर दी है। इससे विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को राहत मिली है। स्कूल प्रबंधक ने बताया कि उन्हें शिक्षकों ने अपनी अपनी सैलरी नहीं लेने की बात कही और फीस माफ करने की बात कही है। झारखंड में आज 128 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सिमडेगा से 31, गिरिडीह 19, पाकुड़ 12, कोडरमा 12, पलामू 7, हजारीबाग 7, पूर्वी सिंहभूम 20, लोहरदगा 5, चतरा 5, रामगढ़ 2, पश्चिमी सिंहभूम 2, सरायकेला 2, बोकारो 2, खूंटी से 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1423 से बढ़कर 1551 हो गई, जबकि 592 लोग स्वस्थ हुए और 8 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 287,155 है, जबकि 1,40,979 लोग स्वस्थ हुए और 8,107 की मृत्यु हो गई। चीन सीमा पर श्रमिकों की दुमका से रवानगी 15 जून से शुरू। भारत चीन सीमा पर सड़क और सुरंग बनाने के लिए संताल से मजदूरों की रवानगी शुक्रवार 12 जून से शुरू होगी। BRO विशेष ट्रेन से श्रमिकों को लेकर जाएगा। अब तक 7 विशेष श्रमिक ट्रेन शेड्यूल किए गए हैं। आपको बता दें कि दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन और BRO के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने इच्छुक लोगों को जल्द पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। इच्छुक श्रमिकों की सीधे उपायुक्त के माध्यम से पंजीकरण कराने के बाद चीन सीमा पर सड़क बनाने ले जाया जाएगा। पहली श्रमिक विशेष ट्रेन दुमका से 12 जून को मजदूरों को लेकर रवाना होगी, जिसकी हरी झंडी मुख्यमंत्री दिखा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 390 नए चेक डैम बनाने की दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 390 नए चेक डैम बनाने की तैयारी कर ली है। यह सभी डैम वन क्षेत्र में बनेंगे। कैंपा योजना के तहत प्रस्तावित इस योजना को अब मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण शशि ने बताया कि कैंपा योजना के तहत 24 करोड़ की लागत रुपये से 390 चेक डैम बनाने की योजना स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेज दी गई है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब नहीं मिलेगा दूध। लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूल खुलने पर बच्चों को दूध नहीं मिल पाएगा। यह स्थिति झारखंड मिल्क फेडरेशन ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि दूध का बकाया 3 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। ऐसी स्थिति में स्कूलों में दूध दे पाना संभव नहीं है। बता दें कि शारीरिक व मानसिक विकास के लिए सरकार गिफ्ट मिल्क योजना के तहत 1 से 8 कक्षा तक के बच्चों को प्रतिदिन 200 ml दूध उपलब्ध कराती है। शराब दुकानों की बंदोबस्ती 14 जून से शुरू। उत्पाद विभाग ने राज्य भर के करीब 100 दुकानों की बंदोबस्ती 14 जून से कराएगा। सभी दुकानों का लाइसेंस ई लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये वैसी दुकानें होंगी जिनकी अभी तक बंदोबस्ती नहीं हो पाई थी। इधर दुकानदारों ने शराब बिक्री ठंडा पड़ जाने को लेकर झारखंड शराब विक्रेता संघ ने विभागीय सचिव से मुलाकात कर अपनी खबर रखी। हालांकि सचिव ने कहा है कि राज्य भर की शराब बिक्री पर समीक्षा के बाद जो बातें सामने आएगी उस पर काम किया जाएगा। खुट्टी में 9395 प्रवासी लौटे घर। महामारी को लेकर लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों का अपने गृह जिला खुट्टी आने का सिलसिला जारी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार 9 जून तक विभिन्न राज्यों से 9395 प्रवासी महिला पुरुष मजदूर व अन्य लोग कोटी जिला में पहुंचे हैं, जिनमें से 4320 प्रवासी को गृह क्वारंटाइन व 952 को सरकारी क्वारंटाइन तथा 4129 को क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद घर भेज दिया गया है। लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर रिम्स में कटेगा 73 पाउंड केक। लालू यादव का 73वें जन्मदिन पर आज गुरुवार को रांची के बिरसा मुंडा जेल में जन्मदिन मनाया जाएगा। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव रांची के रिम्स में केक काटकर अपने पिता का जन्मदिन मनाएंगे। इसे लेकर झारखंड राजद ने बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है। खबर है कि 73वें जन्मदिन पर 73 पाउंड का केक तेजस्वी यादव के हाथों से काटे जाएंगे। झारखंड में लॉकडाउन में बढ़ेगी सख्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन पर सख्ती के संकेत देते हुए कहा है कि हर पहलू का सरकार अध्ययन कर निर्णय करेगी। संक्रमण के कारण दौर में जीवन और जीविका के बीच चाणक्य नीति के अनुसार जीवन को चुनना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन रहा तो जीविका के लिए हम आगे बढ़ सकेंगे। राज्य में संक्रमण और इससे हो रही मृत्यु पर सरकार की नज़र है। सभी पहलुओं का मूल्यांकन हो रहा है। सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन पर निर्णय करेगी। भाजपा का व्यक्तिगत संपर्क अभियान शुरू। भाजपा ने राज्य में मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धुरवा मंडल के लोगों से संपर्क किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र जनता को सौंपा। आपको बता दें कि भाजपा ने राज्य के 35 लाख लोगों तक प्रधानमंत्री पत्र को पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। कोडरमा में अंधविश्वास, संक्रमण से बचाव के लिए दे दी 400 बकरों की बलि। झारखंड सहित पूरे देश में संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लोग अंधविश्वास में कहीं पूजा कर रहे हैं तो कहीं बलि दे रहे हैं ताकि बचाव हो सके। इस अंधविश्वास के क्रम में कोडरमा में एक साथ 400 बकरों की बलि दे दी गई। आपको बता दें कि कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड स्थित देवी मंदिर में बुधवार को देवी माता के मंदिर में संक्रमण को शांत करने के लिए हवन पूजा आरती के साथ माता को खुश करने के लिए 400 बकरा की बलि दी गई। हालांकि इस मामले में कोडरमा के SDO विजय शर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी प्राप्त हुई है। मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है। संक्रमण की डर से टाटा दानापुर एक्सप्रेस के लिए नहीं मिल रहे यात्री। संक्रमण की डर ने यात्रियों को ट्रेन की यात्रा से भी दूर कर लिया है। यही कारण है कि 1400 सीटों की क्षमता वाली टाटा दानापुर एक्सप्रेस में सिर्फ 400 यात्री ही यात्रा कर रहे हैं, जिससे रेलवे को प्रतिदिन लाखों का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण यात्री ट्रेन का परिचालन बंद था। तमिलनाडु से 524 श्रमिक पहुंचे धनबाद। तमिलनाडु में फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों के 524 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से धनबाद पहुंचे। धनबाद DC अमित कुमार के निर्देश पर यात्रियों को शारीरिक दूरी बनाकर प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 23 वाहनों का प्रबंध किया गया। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, देवघर DC। देवघर जिला प्रशासन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के महत्वाकांक्षी योजना पर गंभीरता से कार्य करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। मनरेगा योजना के तहत 9838 प्रवासी मजदूरों का निबंधन कर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया, जबकि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो जैसी योजनाओं चल रही है। DC ने बताया कि 9838 श्रमिक का निबंधन किया गया है, जिन्हें तय गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवासी मजदूर अभी लौटे भी नहीं, अब जाने की लगाई सरकार से गुहार। प्रवासी मजदूर अभी बाहर से लौटे भी नहीं हैं कि यहां से पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ मजदूर सरकार से अपने घर लौटने की गुहार लगाई जा रही है तो दूसरी तरफ बिना सरकार को जानकारी दिए लोग प्रदेश भी जाने लगे हैं। मजदूरों के अनुसार उन्हें कंपनी वाले ज़्यादा वेतन देने का झांसा देकर बुला रहे हैं, तो वहीं बस संचालकों ने 250 रुपये किराए की जगह 1000 लेकर उन्हें कोलकाता ले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज झानू हंसदा के पति का निधन पर अर्जुन मुंडा ने जताया शोक। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज झानू हंसदा के पति निमाई किरण हंसदा का निधन हो गया। अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ब्रेन हेमरेज से उनका निधन हो गया। झानू हंसदा के पति के निधन पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने शोक प्रकट किया है।
14 नक्सली को पुनर्वास अनुदान एवं 8 सीआरपीएफ को अनुग्रह अनुदान मिलेगा। झारखंड सरकार ने उग्रवादी हमले में घायल सीआरपीएफ के 8 जवानों को अनुग्रह अनुदान एवं सरेंडर करने वाले 14 नक्सलियों को पुनर्वास अनुदान राशि देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 घायल जवानों को 1.5 लाख रुपये, 2 को 1-1 लाख रुपये और 1 को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं उग्रवादी को 2 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक मिलेंगे। ढुल्लू महतो की जमानत याचिका खारिज। धनबाद मंडल कारा में बंद बागमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका बुधवार को खारिज हो गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विधायक ढुल्लू महतो की जमानत पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी, जिससे ढुल्लू महतो को अभी कुछ दिन तक जेल में ही रहना पड़ेगा। मालूम हो कि बाकी मामलों में ढुल्लू विधायक महतो को जमानत मिल चुकी है। झारखंड राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 19 जून को होगा चुनाव। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए चुनाव मैदान में 3 प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव 9 जून को होना है। मालूम हो कि झारखंड में राज्यसभा में 2 सीटें खाली हुई है। इन्हीं 2 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें 79 विधायक ही वोटिंग कर सकेंगे। पलामू के लेस्लीगंज होम क्वारंटीन में मौत। पलामू के लेस्लीगंज के कठौदा गांव में होम क्वारंटीन में रह रहे युवक की मौत हो गई। युवक तमिलनाडु में एक कंपनी में काम करता था। लॉकडाउन के कारण वह 24 मई को मेदिनीनगर आया था, जहां जांच के बाद होम क्वारंटीन दिया गया था। लोग मर रहे हैं, वह भाजपा रैली कर रही है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की वर्चुअल रैली पर कहा है कि जब देश और राज्य में संक्रमण से लोगों की मौत हो रही है, तब भाजपा राजनीति की रंग में रंगी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते संक्रमण के बीच कहा कि केंद्र सरकार के सामने कई मांगे रखी गई, लेकिन झारखंड को एक वेंटिलेटर तक नहीं मिला है। पुलिस कर्मियों को छुट्टी से लौटने पर क्वारंटीन में रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने अवकाश पर जाने अथवा लौटने वाले पुलिस कर्मियों के लिए दिशा निर्देश डीजीपी को पत्र के माध्यम से भेजा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि परिवार में मृत्यु, विवाह अथवा विशिष्ट कारण के लिए ही छुट्टी दी जाए तथा कहां जा रहे हैं उनकी जानकारी रखी जाए। झारखंडी न्यूज द्वारा आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। आप लोगों में से ही बहुत सारे व्यूअर्स ने कॉमेंट कर नंबर मांगे हैं, जो आप लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। आप इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि अनावश्यक हेलो हाय ना करें। आप 70330268072 पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें कमेंट में बताएं कि झारखंड में संक्रमण के रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती बरतनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।